आरआरबी एएलपी का फॉर्म निकला है, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए पढ़ाई का? पढ़ाई से पहले भैया मेरा प्लान क्या होगा, क्योंकि घर बनाने से पहले एक प्लान पास होता है, उसी प्लान के तहत घर बनता है। तो जो तैयारी कर रहे हैं आप अपना बना रहे हैं वो किस प्लान के तहत, मैं प्लान पूरा बताऊंगा। और आप बोलोगे भैया आपका प्लान देखने के बाद और आपकी बातों को समझने के बाद लग रहा है ना, अगर उतना पढ़ दिए मेहनत से, हमेशा याद रखना बाबू क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, क्वालिटी के पीछे भागना है। अगर सही तरीके सही कंटेंट पर काम कर दिए इतना ना भैया, किसी का बाप का दम नहीं जो मेरा रिजल्ट रोक देगा। लेकिन वो मेहनत जिसकी बात कर रहे हैं ना भैया, वो मेहनत हमको करना है, प्लान में दिख रहा है भैया। उसके पहले आपको एक एक चीज समझाऊंगा, पहले आपको समझना क्या है, दो चीज बताऊंगा। पहला बात, तुम लोग प्लान बताने से पहले बाबू हो सकता है या है ही ये आपका अंतिम प्रयास है, क्योंकि रेलवे कंडीशन हम लोग भी देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, किसी छुपा नहीं है। हो सकता है अब रेलवे में एलपी की वैकेंसी ना निकले, तो जितना है उतने में ही लड़ना है और ऐसे लड़ना है कि भैया रिजल्ट आए, और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है वरना भीड़ में खो जाएंगे। हमेशा सोचना है तैयारी के दौरान हमको उन बच्चों को हराना है जो चंद बच्चे सिलेक्शन लेते हैं ना, उनसे आगे कैसे निकले, उनसे आगे कैसे निकले, इसके बारे में सोचना है। बाबू फॉर्म तो दुनिया भर का गिरेगा, लेकिन तैयारी के दौरान हमेशा यही सोचना है कि जो मेरा तैयारी होगा, जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं एग्जाम के लिए, वो चंद बच्चों को हराने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि बस हम कर रहे हैं, मेरा समझ में आ रहा, टीचर पढ़ा रहा है, हो रहा है, चल रहा है, ऐसे नहीं पढ़ना है। उन चंद बच्चों को हराने के लिए अपने आप को तैयार करना है, पहला बात। दूसरा बात यह है बाबू, पहले सबसे पहले प्लान सुनने से पहले यह समझो, आप सभी जो हाल फिलहाल में रेलवे एग्जाम करवाया, जो रेलवे के तमाम बच्चे एग्जाम दिए, जो सफल रहे या फिर कुछ नंबर से रह गए, उनसे एक बार पूछो, या फिर आपको बता दो, उनसे पूछा तो पूछना, रेलवे में सबसे तकलीफ आपको क्या दिया एनटीपीसी में, ग्रुप डी में। तो हर एक बच्चा बोलेगा ग्रुप डी में इस बार ना साइंस थोड़ा टफ था, ये किसी से पूछना आप सभी। और ग्रुप डी का बच्चा एक बात और बोलेगा, देखो मैथ तो सबसे हो जाता है जो एग्जाम निकालते हैं। आप लोग को लगेगा क्या बात कर रहे हैं भैया, मैथ तो हमको हार्ड लगता है, आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन जो रिजल्ट निकाल रहा है ना वो मैथ में पूरा नंबर कर रहा है बाबू। और उनको जो तकलीफ दे रहा है पता क्या दे रहा है, साइंस ग्रुप डी वालों को दिया था। तो एक बात समझ गए भैया, जो रिजल्ट निकाल रहा है और जिनका हो रहा है उनको हराने के लिए हमें साइंस में अच्छा काम करना पड़ेगा। और क्या भैया, उनको और जो तकलीफ दिया ना बाबू, एनटीपीसी वालों को तकलीफ क्या दिया, साइंस तकलीफ नहीं दिया इनको, इनको तकलीफ दिया रीजनिंग, इनको तकलीफ दिया रीजनिंग। रीजनिंग में कथन वाले टॉपिक बहुत पूछ दिया, प्लस पजल पूछ दिया, ये तकलीफ दिया इन लोगों को, मैथ तकलीफ नहीं दिया। तो भैया मतलब रीजनिंग में भैया रीजनिंग का तकलीफ दर्द इनको भी था, रीजनिंग का दर्द इनको भी था, मतलब भैया रीजनिंग भैया हाल फिलहाल में रेलवे वाले बच्चों को दर्द दे रहा है। हाँ बाबू, तो रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना है भैया, और पढ़ना ऐसे भैया, ये नहीं कि यूट्यूब के ऊपर पढ़ने आए, बहुत सब्सक्राइबर है, बहुत सब्सक्राइबर है, कोई टीचर आके पढ़ा रहा है और सब क्वेश्चन बन रहा है हमसे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा लेने के लिए नहीं पढ़ना। आपको डेली सोचना है अपना जो क्वालिटी है ना उसको बढ़ाना है, और क्वालिटी बढ़ाना किस लिए, उस भीड़ का हिस्सा बनकर रहे 10,000, 5,000, 20,000 बच्चों को हराने के लिए नहीं, उन चंद बच्चों को हराने के लिए जिनका सिलेक्शन होता है। हमको अपना क्वालिटी ऐसा बनाना है ना भैया कि उन बच्चों को हरा पाए, क्योंकि भैया हमको भी एहसास हो चुका है कि मौका एक ही मिलेगा, तो क्वालिटी डेवलप करना है, क्वांटिटी नहीं कि बहुत पढ़ लिए बहुत पढ़, ऐसे नहीं। ठीक है, सुनना, आप सभी को पता है, वो सब बताऊंगा स्मार्ट तरीके से। पहले प्लान सुनो, प्लान क्या होगा, आपका तैयारी का जो नक्शा है वो कैसा होना चाहिए। आप सभी को पता है जीके, ठीक, करंट अफेयर है, मैथ, रीजनिंग और साइंस है, कितना नंबर का है, तो आप सभी को पता है भैया ये 75 नंबर का रहने वाला है। कौन कितना का रहेगा ये नहीं पता है, कैसे नहीं पता भैया, ये आपका 20 का, ये 25 का, ये 10 का, ये आपका 20 का, कुछ कोई कुछ ही बोल सकता है। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के अनुसार बोलूं तो बाबू अभी ये स्पष्ट है ही, नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं है कौन कितना का आ रहा है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी मानकर चल रहे हैं ये बराबर रहेगा, ये 25, ये 20, या फिर ये 20, ये 25, ये 10-12 क्वेश्चन रहेंगे, ये जो है 17-18 क्वेश्चन रहेंगे, या 20 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे एक डाटा बनाकर चलो, मानकर चलो 75 क्वेश्चन के लिए आपको लड़ना है। इस 75 में जो आपका तैयारी होना चाहिए बाबू,
वो 65 प्लस का होना चाहिए। और तैयारी के दौरान आप किसी भी कैटेगरी से, भूल से भी आपके दिमाग में एक बात मत लाने देना, हम एसटी से हैं, हम ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, तो 50 में हो जाएगा। बड़ा बड़ा चैनल बता रहा है 50 की तैयारी करो हो जाएगा, उन सबके चक्कर में मत पड़ना। पर तमाम जिंदगी पड़ा पढ़ने के लिए, इस बार बाबू एक ही मौका मिलेगा, इस बार अगर हाथ से गया ये सपना टूट जाएगा एक पल में। तो तैयारी पर ध्यान देना, अपना क्वालिटी, और एक बात क्या बोले, चंद बच्चों को हराना कैसे उसके बारे में सोचना, ठीक, अपनी तैयारी के दौरान। तो 65 प्लस के नीचे मत सोचना। इसको करना कैसे बताते हैं, उसके पहले जो जो चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा बाबू, जो जो चीज भले पढ़ाने के समय ना आपको लगे कि भैया थोड़ा क्वेश्चन हार्ड करवा रहे हैं, थोड़ा मतलब लेवल बढ़ा दिए हैं, आपसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है भैया, आप क्वेश्चन ज्यादा टफ कर दे रहे हैं, ये सब मत सोचना बाबू। आपको सोचना भैया हमको काबिल बना रहे हैं, भैया ना हमको भीड़ में 10,000-5,000 बच्चों से निकाल कर नहीं बाहर निकाल रहे हैं, उन चंद बच्चों को हराने के लिए भैया हमको बना रहे हैं, ये सोचना। और जो चीज पढ़ाऊंगा वो पूरा पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि भैया ये पढ़ा दी वो पढ़ा, सब नहीं, जो पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा। और जो चीज पढ़ाऊंगा आप एग्जाम सेंटर में जाकर बोलोगे, जित्तू भैया से पढ़कर आए थे एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद, भैया कभी धोखा दिए नहीं, भैया जितना बनाए जितना बताएं, जिस काबिल हमको बनाए उस काबिल से लेबल का पेपर लो, पेपर का लेबल लो ही आए, हम कर कर आए, जो पढ़ाएंगे जो पढ़ाएंगे, अब ये नहीं पढ़े बोले बायोलॉजी पढ़ा देंगे वो नहीं, जो पढ़ाएंगे एग्जाम में आप उसमें नंबर उठाकर लाओगे, ये सियोर है, ठीक है। भले आपको क्लास करवाते समय थोड़ा बोले भैया थोड़ा आसान करवाइए ना, थोड़ा बाबू भीड़ का हिस्सा रहना है, एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालना है तो ऐसा बनना है। अब सुनना, अब देखो जो क्लास है ना बाबू आपका, मैं आज कल से नहीं करा सकता क्योंकि अभी थोड़ा काम भी है, नोट्स पर काम करना है, 1 फरवरी से क्लास कराऊंगा, 1 फरवरी से जो रीजनिंग पढ़ाऊंगा 10 बजे रीजनिंग, और जो रीजनिंग बबू मैं आपको आने वाले 3-4 महीना में जितना रीजनिंग पढ़ाऊं जितना सेट कराऊंगा, मैं अपने आप को रीजनिंग में किसी से कंपेयर करना चाहता नहीं हूं, मैं कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे विश्वास के साथ कि रीजनिंग में जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप सेंटर से निकलने के लिए बात बोलेंगे रीजनिंग में ना भैया धोखा तो मिला ही नहीं, आप बोलेंगे भैया नहीं मिलेगा धोखा, रीजनिंग में नहीं मिलेगा, रीजनिंग का आप सब क्वेश्चन आराम से कर आ पाओगे, जो टेक्निक बताएंगे मैथ अभी करेंट अफेयर जीके, देखो अब करेंट अफेयर जीके, करेंट अफेयर जो सुबह 8 बजे करवाते हैं उसमें आपको धोखा नहीं मिलेगा मेरे तरफ से, वरना आकर बहुत गाली भी देना नहीं फंसा कुछ हो ही नहीं सकता जितना पढ़ाएंगे। जीके जो है ना बाबू आपको 1 तारीख से दोपहर में 3 बजे करवाएंगे, और जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा एएलपी के एग्जाम में, लेकिन मैं बोलूंगा जीके को आपको डेली 30 मिनट देने में क्या है, वो 30 मिनट डेली पढ़ना ना, 30 मिनट दो अपना 24 घंटा में, उतना में ही अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो जीके में आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन करेंट अफेयर पढ़ना अच्छे से। करेंट अफेयर सुबह 8 बजे करवाते हैं, जनवरी का पूरा पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, फरवरी से आप अच्छे से पढ़ो आने वाले 4 महीने के लिए मैथ और साइंस। अब देखो बाबू जो साइंस है, साइंस के लिए मैं बताता हूं, मैथ का सुनना, अब मैथ मैं आ करना बाबू ये नहीं लगाऊंगा मेला, क्योंकि बहुत लोग लगाएंगे मेला, हम लगाएंगे नहीं मेला, क्यों नहीं लगाएंगे मेला, क्योंकि जब जिस दिन हम लगा दिया मेला, जिस दिन मेरा लग गया मेला, शाम को 6 बजे एएलपी का पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, पांचवा सेट, बच्चे देखेंगे मेरी बात सुनकर, बच्चे इंप्रेस होंगे, वीडियो देखेंगे, डेली आएंगे, ठीक है, व्यू देकर जाएंगे, वैसे हम क्लास करवाएंगे, लेकिन मेरा लगाने में ना कहीं मेरे आंख सम्मान को थोड़ा खराब लगेगा, धोखा दे रहे हैं बच्चों को, व्यू के लिए धोखा दे रहे हैं, 25 क्वेश्चन का सेट तो करवा रहे हैं लेकिन तैयार अच्छे से नहीं कर रहे हैं बच्चों को, ये मेरा आत्मा जानता है, तो बहुत लगेगा मेला एलपी को लेकर, अभी लगने वाला मेला, बहुत जगह मेला लग भी रहा होगा, अब देख भी रहोगे, लेकिन मैथ में बाबू आपका जो एग्जाम होगा वो मई जून में होगा, इतना जरूर बोल सकता हूं, मई जून तक आपको जितना मैथ पढ़ाऊंगा, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, जितना मैथ पढ़ाऊंगा उतना ही मैथ अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे मेरे से ना, तो आप अपने आप को मैथ में इतना निपुण पाएंगे, आप बोलेंगे भैया तो चंद बच्चे एग्जाम निकालते हैं ना उनके लेवल पर लाकर खड़ा कर दिए,
अभी मैंने मैथ को आपका ना चार टॉपिक दिया है, एक रेशियो प्रोपोर्शन एजेस वाले सवाल दिए हैं और दो तीन टॉपिक दिए हैं, चैनल पर आकर ही मिल जाएगा। और जितने भी टॉपिक करवा रहा हूं सब स्टेप बाय स्टेप, तीन चार महीना में बहुत टॉपिक करा दूंगा लगभग खत्म, ठीक है। लेकिन लाइव नहीं पढ़ाएंगे, लाइव में आएंगे तो लगेगा मेला। आपको डेली शाम को 6 बजे एक टॉपिक देंगे, एक तारीख से डेली शाम को 6 बजे एक टॉपिक, एक टॉपिक डेली टॉपिक का नोट बनाना। और भैया विश्वास कैसे हो भैया, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ये भी तो बात है, आप तो विश्वास कैसे करें। हाँ ये भी बात सही है बाबू, जो भी टॉपिक देंगे बाबू, मान लो कोई टॉपिक स्टार्ट किए उस टॉपिक को कवर करना पढ़ना, ठीक है। पढ़ने के बाद वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलना रेलवे का, सिर्फ रेलवे का भैया, नहीं रेलवे का क्या, आप सीजीएल तक खोलना, एसएससी का कोई एग्जाम खोलना, आप देखना उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आ रहा है क्या, बना नहीं पा रहे क्या, आप देखोगे भैया हम हर क्वेश्चन बना पा रहे हैं उतना जितना पढ़ा है उस टॉपिक को, सीजीएल के बना पा रहे हैं, रेलवे के हर एग्जाम को बना पा रहे हैं। ये आपको डेली एक वीडियो शाम को 6 बजे चैनल मिलेगा। अब बहुत बार क्या होगा ना, वीडियो भैया अब देखो 10 मिनट में आकर बताकर ट्रिक बताकर चल नहीं जाएंगे, फिर तो वही बात हो जाएगा, लगा दिए मेला और मेला कभी कुछ लेता देता नहीं है, मेला क्या करता है लेता है, तो अब से ले लेगा, तो 10 मिनट का भी नहीं भैया, कम से कम एक वीडियो देंगे अच्छे से बनाकर समझाकर टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे तो कम से कम 40-45 मिनट का वीडियो होगा, उसको आपको कवर करना अच्छे से, यह सिलसिला 3 महीना का रहेगा। तो मैथ का भी झमेला आप खत्म कर दिए, मैथ को बहुत अच्छे से पढ़कर समझना है बाबू, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, जीके बताएं ये बताएं, साइंस के लिए क्या कर सकते हैं भैया, देखो बाबू जो हमसे हो सकता है वो बता रहे हैं, साइंस में हम क्या कर सकते हैं बाबू, साइंस के लिए आपको ना हम 1000 क्वेश्चन जो है वो ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी आपको धोखा दे गए नहीं, वो क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ दे देंगे, 2-3 दिन में उसके बारे में बता देंगे, प्लस 7-8 टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन श्योर लेकर रखो बनेगा ही बनेगा, वो टॉप का नोट भी दे देंगे, साइंस के बारे में ना एक अलग वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, ठीक है। रीजनिंग में जो है बाबू, रीजनिंग में आपको डेली एक सेट कराऊंगा, आप सेट भी करोगे ना आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपको मेरा कोर्स भी लेना है, बहुत बच्चों को नहीं चाहिए रीजनिंग कोर्स क्योंकि रीजनिंग आसान पड़ता है, अगर रीजनिंग का कोर्स लेना है आप सभी को तो रीजनिंग में जितने भी टॉपिक आप ये सबको आसान है, मेरा कोर्स लीजिएगा भी ना तो मेरे कोर्स में आप ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी मिल जाएगा, मेरे कोर्स में ये चीज जरूर पढ़ना आप सभी, ये वाला पजल जो दिया गया है और स्टेटमेंट वाले ये सारे टॉपिक सब हिंदी में सब में मिलेगा, ठीक है। मेरे कोर्स में आप ये चीज जरूर पढ़ना, सबसे पहले एएलपी वाला, ताकि आपको लगे भैया वो टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 महीना तक करवाएंगे ना, आप इसमें इतना परफेक्ट बन जाओगे भैया, मजा आ गया भैया, ठीक है। और ये सब कुछ आपको बाबू हाँ कैसे मिलेगा, अब वीडियो रहेगा साथ में प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा 249 में मिल जाएगा, 249 में। सबको दरकार नहीं है क्योंकि रीजनिंग आसान पड़ता है, जिनको लेना है वो ले सकते हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना बाबू आपको अच्छे से पढ़ना है, मेरा 2-3 बात याद रखना, क्वालिटी पे काम करना है, क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे, भीड़ में नहीं रहना है, उन चंद बच्चों को आना जो रिजल्ट निकाल रहे हैं। और रीजनिंग का कोर्स आपको कहां मिल जाएगा, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर कैसे मिल जाएगा वो दिखा दे रहे आप सभी को। बे सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर इसको रजिस्टर कर ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद नीचे में आप सभी जाओगे वीडियो में, वीडियो वाले ऑप्शन को क्लिक करिएगा, यहां पर आप सभी को रीजनिंग वाला कोर्स मिल जाएगा सारा। नीचे देख रहे हैं ये वाला ब्रह्मास्त्र बोलकर रीजनिंग दिया, ये वाला, इसके अंतर्गत आपको सारे रीजनिंग के वीडियो कोर्स मिल जाएंगे। जैसा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इसके अंतर्गत टोटल 20 टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे 20 टॉपिक। उसके अलावा हर टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ दिया गया क्वालिटी कंटेंट के साथ, ये नहीं कि बन नहीं रहा है, आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है सीखने के बाद, ठीक है।